दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला पाकिस्तान से भारतीय महिला टीम जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को रौंदने के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन पर अपने कदम रख दिए, जहाँ भारत की तरफ से स्मृति मंदाना और सैफ अली वर्मा ने पारी की शुरुआत कर छक्के चौकों की बरसात कर डाली। आखिर मुकाबले की क्या चल रही है, लाइव अपडेट किसने बना ली, कितने रन, कौन पहुँच गए शतक के करीब, सब आपको लाइव वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान में से पहला मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते ही हैं कि वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का इंतजार पूरा भारत देश बेसब्री से कर रहा है, और अब भारतीय महिला टीम के पास एक और सुनहरा मौका है आईसीसी ट्रॉफी को अपने नाम करने का। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी के प्रेसिडेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि इसी साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा और इस रोमांचक टूर्नामेंट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हम सभी को भारतीय महिला टीम विश्व की नंबर वन टीमों से भिड़ती हुई नजर आने जा रही है, जहां भारतीय महिला टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ है। और हमने अक्सर देखा है कि भारतीय महिला टीम जब भी टूर्नामेंट की शुरुआत करती है तो वो पाकिस्तान को हराने के साथ, और इस बार भी हम सभी को यही नजारा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान महिला टीम का ओडीआई वर्ल्ड कप का लाइव मैच देखना चाहते हो अपने टेलीविजन पर, तो आप सभी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स का उपयोग कर पाओगे। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो हॉटस्टार ऐप पर दिखाई जाएगी, और फ्री में मुकाबला डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु में दिखाया जा रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले का आनंद अपनी भाषा में ले सकोगे। वहीं दोस्तों, अगर बात करें मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर हेड टू हेड के आंकड़े आपको बताते हुए चलें, तो दोस्तों यहां पर कुल मिलाकर भारतीय महिला टीम पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ 11 बार मुकाबलों में भिड़ी है, और इस बीच भारत की तरफ से हम सभी को 11 में से 11 मैच जीते हुए नजर आए हैं, और यहां पर एक भी मुकाबला पाकिस्तान की टीम ने जीता ही नहीं है। तो जिसके चलते आप सभी इस बात का तो अंदाजा लगा सकते हो कि एक तरफ पाकिस्तान की टीम अगर भारत को हराने की भी स्थिति में होगी ना, तब भी भारत की टीम उस मुकाबले को भी आसानी से अपने नाम कर ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम को अब पाकिस्तान को इतना भी कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों तक को हराया था। और अब दोस्तों भारतीय टीम के आगे भी एक चुनौती होगी वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को हराने की। वहीं दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि वनडे वर्ल्ड कप पहले पिछले साल 2022 में खेला गया था, लेकिन इस बार जो कोरोना महामारी की वजह से एक वनडे वर्ल्ड कप मिस हो गया था, उसी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए आईसीसी ने यह फैसला किया कि वो वनडे वर्ल्ड कप की एक बार फिर से शुरुआत करवाएगी। और यहां पर अब हम सभी को भारतीय महिला टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला खेलती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि यहां पर मुकाबला जब शुरू होगा तो टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है, क्योंकि ब्रिस्बेन की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को काफी मदद देती है। लेकिन यहां पर पूरा भारत ये भी उम्मीद लगाए बैठा है कि स्मृति मंदाना, जो कि अपनी फॉर्म को खो चुकी हैं और लंबे समय से उनके बल्ले से रन देखने के लिए नहीं मिले, वो फॉर्म में वापसी करें। और वहीं सैफ अली वर्मा, जमैमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके भारतीय महिला टीम के स्कोर को पहले ही 5 विकेट के अंतराल पर लगभग 250 रनों के पार लेकर जाए। और अगर ब्रिस्बेन के मैदान पर भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ लगभग 300-350 रन भी बना दिए, तो भारत की टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी। वहीं अगर बात करें प्लेइंग 11 टीमों के बारे में, तो दोस्तों जो आप सभी को भारत की प्लेइंग 11 नजर आने वाली है, उसमें स्मृति मंदाना और सैफ अली वर्मा पारी की शुरुआत करेंगी। वहीं फिर मध्यम क्रम में जमैमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, हरलीन देओल और दीप्ति शर्मा दिखाई देने वाली है। और वहीं फिर गेंदबाजी में पूजा वस्त्रकार, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह को मौका दिया जाएगा। वहीं बात करें अगर पाकिस्तान महिला टीम के बारे में, तो पाकिस्तान की तरफ से मुनीबा अली जावेरिया खान खेलेंगी। वहीं फिर उनकी तरफ से कप्तानी बिस्मा मरूफ को सौंपी गई है। और फिर मध्यम क्रम में निदा दार, सिद्रा अमीन, आयशा नसीम, आलिया रियाज, फातिमा साना खेलती हुई नजर आएंगी। और गेंदबाजी में ऐमान अनवर, नसरा संधू और सादिया इकबाल खेलेंगी। बाकी दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले के बारे में, और आपके अनुसार कौन सी टीम मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।